सिर्फ डरपोक ही खतरे में है। आप डरिए, इतना डरिए कि मोदी को अपना भगवान मानिए। गोदी मीडिया यही काम कर रहा है, पर आपको क्यों डरना है? मोदी जी खुद एक डरपोक कायर किस्म के संघी है। कोई भाजपाई संघी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, आपकी रक्षा कर सकता है तो सिर्फ भारत का लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र की जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तो संघियों भाजपाइयों की कोई जगह नहीं रहेगी। तालिबान ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए शरिया कानून का सहारा लिया है। आरएसएस या भाजपा खुद को जस्टिफाई करने के लिए हिंदू धर्म का सहारा ले रही है। हमारा ज्ञान भले ही धर्म के बारे में सीमित है, पर इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तालिबान का शरिया असली शरिया नहीं है और मोदी आरएसएस के हिंदू धर्म का रिश्ता असली हिंदू धर्म से नहीं है। ये दोनों शैतानों के गिरोह हैं। अफगानिस्तान में जो बर्बरता है उसका मानवीय पहलू भी है जिस पर कोई बात नहीं हो रही है। लोगों के पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, बैंक बंद है, आतंकवाद है, सबका फोकस केवल तालिबान है, पर अफगानियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। टीवी पर अलग अलग दृश्य दिखाकर आपको डराया जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात दुनिया के हर फर्जी राष्ट्रवादी के लिए बड़ा संकट है। अमेरिका, नाटो के अन्य देश पर अब फर्जी राष्ट्रवादी भरोसा कैसे करेंगे? अमेरिकन सेना का तस्लीम टूट चुका है, पर डॉलर मजबूत हो रहा है, यानी अमेरिका का फोकस केवल अमेरिका है। दूसरी ओर चीन और अफगानिस्तान में समझौता भी धार्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को कमजोर करेगा, क्योंकि चीन आर्थिक आतंकवाद के नेता के रूप में उभरेगा। बहुत जल्द चीन अफगानिस्तान के बैंकों को पैसा देगा, यानी युआन कमजोर होगा और चीन का व्यापार बढ़ेगा, यानी धार्मिक राष्ट्रवाद अब आर्थिक आतंकवाद में बदलने वाला है। अमेरिका की नीति भी आर्थिक ही रहेगी। डॉलर बढ़ने और युआन के घटने से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान होना तय है। अगर आपको डरना है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए डरिए। जैसे अफगानी अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही लड़िए। भारत में तालिबान नहीं हो सकता, पर तालिबानी विचारधारा से कुछ कम भी नहीं है। कट्टरवाद से लड़ो, डरो मत। जय हिंद।